साथियों, 58-59 साल के इस गणतंत्र के पास कई उपलब्धियां और आसमान छूती बुलंदियां हैं। हमारा आपका बेझिझक और बेखौफ होकर और 3/4 की हर सुबह और शाम एक अनिश्चित दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, बाल मजदूरी और घरेलू हिंसा अपने विभिन्न आयामों में एक धुंध की तरह है, लेकिन एक वतन के रूप में हम इस घने कोहरे से लड़ने को तैयार बैठे हैं। सफर मुश्किल है पर जोश है। इरादा हो अटल तो होता है कुछ ऐसे भी। इरादा हो अटल तो होता है कुछ ऐसे भी। दिए को जिंदा रखती है, बहती है हवा कुछ ऐसे भी। उस शहीदों के किरदार आज भी हम में जिंदा है। हम तो वो पेड़ है जो गिरते नहीं हवा से भी। एटॉमिक एनर्जी जूनियर कॉलेज के हमारे यंग और एनर्जेटिक स्टूडेंट्स अपने दबंग इरादे आपके सामने बयां करेंगे और साथ में देखिए हमें क्या मैसेज देंगे। हेलो हेलो, Jawaharlal Nehru declared, "The destiny of India is determined in classrooms." Another year, another Republic Day, at another function, but we remain the same. Here is an opportunity to ponder where we stand. Atomic Energy Junior College presents Rise Up E Yen, Ucho Naujawano. गणतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर परमाणु ऊर्जा कनिष्ठ महाविद्यालय की ओर से एक संदेश जानने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ओर हमारी भारत माता खड़ी है और दूसरी ओर दुश्मन खड़ा है। भारत माता अच्छाई, अहिंसा, प्यार, ममता, कार्य निष्ठा, सहन शक्ति और हर जीव की अच्छाई की मूर्ति है। दुश्मन बुराई, चोरी, डकैती, आतंकवाद व घुसखोरी का राक्षस है, पर क्या हम अच्छाई और अहिंसा से अपनी भारत माता को बचा सकते हैं? और क्या हम चुपचाप खड़े तमाशा देख सकते हैं? पहले अपने नौजवानों की बात। इस नौजवान को देखें, इसने शराब पी रखी है, बिना हेलमेट, नशे की हालत में, बिना किसी यातायात नियम को माने अपना मोटर वाहन तेज रफ्तार से भगाए जा रहा है। यातायात हवलदार इस नौजवान को दबोचता है, दंड देने की बजाय कुछ पैसे लेकर छोड़ देता है। एक और समस्या, बाल शोषण व बाल मजदूरी, सबसे सस्ती व सबसे ज्यादा कामयाब मजदूरी। इन नन्हे फूलों के हाथों में पत्थरों की जगह किताबें कौन देगा? भारत माता ये सब देख बहुत दुखी है। देखिए उस दंपति को, बाजार से घर की ओर आते इस परिवार को, कुछ लुटेरे घेर लेते हैं, मोटर वाहन से उतारते हैं, पैसे व सामान लूटते हैं, प्रहार करते हैं और रफ चक्कर हो जाते हैं। राहगीर भी भाग खड़े होते हैं, पर कल हमारी बारी भी तो हो सकती है। दुश्मन खुश है क्योंकि ये सब देख भारत माता बहुत चिंता में है। एक और जटिल समस्या जो हम सबका पीछा नहीं छोड़ती, एक सवाल, हमारा नेता कौन हो? हमें सिर्फ कम बुरे नेताओं को ही चुनने का अधिकार है। देखिए हमारी नेत्री जी को, हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों
पहाड़ों को उल्टा पाठ पढ़ाकर जी सुरक्षा से लैस इनका काफिला गुजरता है। अब दुश्मन बेखौफ होकर हमारे घरों में घुस सकता है, भारत माता को घायल कर सकता है। लो वो आ गया, भारत माता रो रही है, दुश्मन खुशी से चूना नहीं समा रहा। अब कौन इस देश को इन लुटेरों से आजाद कराएगा, कौन भारत माता को प्रसन्न करेगा, हमारा कार्यकुशल नेता कब आएगा? हम नौजवान ही होंगे देश के सच्चे सिपाही, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे और समझा देंगे कि मुट्ठी भर दहशतगर्द भ्रष्ट नेता 120 करोड़ आबादी पर भारी नहीं पड़ सकते। जो दिशा भटक चुके हैं हम उन्हें भी रास्ते पर लाएंगे।
सिपाहियों पर जो हर औजार को चलाना जानते हैं और दुश्मन के चारों खाने चित्त कर सकते हैं। देखिए किलों के बिस्तर पर सोए हुए सिपाही के सीने पर रखे उस बंदूक को छुरे से काटते व्यक्ति का प्रदर्शन, जो दुनिया के किसी हथियार से नहीं डरते और हंसते हंसते जख्म ले सकते हैं। महिलाएं जो दुश्मन को पराजित करना जानती हैं और दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। Friends, let's awake, arise, and stop not until the goal is reached.
to save Mother India. Let us feel proud to be called the citizens of incredible India. Let us make it a heaven on earth. Thank you. Jai Hind. Wow, what a performance. Well done. Students of Junior College, you have done it again. We applaud and encourage the new spirit of young India.